हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे केमी क्लाउड शेड होस्टिंग के बारे में। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल मिल जाएगा कि कैसे आपको केमी क्लाउड का प्लान चूज करना है, इसके बाद कैसे आप उसको फ्री डोमेन, जो आपको फ्री डोमेन मिलेगा उसे कैसे बाई करना है, उसके बाद उसमें कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, कैसे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना है। तो इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल मिल जाएगा, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो यहाँ पर अगर आपको केमी क्लाउड का शेड होस्टिंग बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, अगर उस लिंक से आप बाय करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप ये पेज पे ओपन हो जाओगे। तो अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो जो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है वहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आप ये पेज ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि केमी क्लाउड में चार टाइप की होस्टिंग देखने को मिलेगी, शेड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, क्लाउड VPS होस्टिंग एंड रिसेलर होस्टिंग। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम शेड होस्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये जो शेड होस्टिंग एंड वर्डप्रेस होस्टिंग है तो ये दोनों एकदम सेम है, लेकिन वर्डप्रेस होस्टिंग में सिर्फ आप वर्डप्रेस को ही इंस्टॉल कर सकते हो एंड शेड होस्टिंग में आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको फ्यूचर में कभी ड्रुपल, जुमला या और कोई भी चीज़ इंस्टॉल करनी है तो आप इजीली कर सकोगे। तो इसलिए आप शेड होस्टिंग वाला प्लान चूज़ कीजिए, वर्डप्रेस होस्टिंग वाला प्लान मत चूज़ करना। इसके बाद यहाँ पर शेड होस्टिंग वाले प्लान की डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके जो स्टार्टिंग प्राइस है वो $4 है। इसके बाद अगर आप ये शेड होस्टिंग का कोई सा भी प्लान लेते हो तो आपको 45 डेज मनी बैक गारंटी देखने को मिलेगी। तो मान लो कि अगर आपने एक साल के लिए कोई भी प्लान लिया एंड आपको लगा कि ये केमी क्लाउड की होस्टिंग मेरे लिए सही नहीं है तो आपको 45 डेज मनी बैक गारंटी मिल जाएगी। तो तब तक के लिए आप देख सकते हो कि केमी क्लाउड आपके लिए सही है या नहीं, एंड उसके बाद अगर आपको सही नहीं लगती तो आप 45 डेज के अंदर को जो पूरा अमाउंट है वो आपको वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि केमी क्लाउड में शेड होस्टिंग के तीन प्लान अवेलेबल है, स्टार्टर, प्रो एंड टर्बो। तो यहाँ पर स्टार्टर वाले प्लान की जो रेगुलर प्राइसिंग है वो $8 है एंड उसकी जो प्रमोशनल प्राइसिंग है वो $4 है। तो यहाँ पर इसमें आप एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो स्टार्टअप वाले प्लान में। इसके बाद इसमें आपको 15 GB का SSD स्टोरेज देखने को मिलेगा, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, फ्री लाइफ टाइम डोमेन। तो इसका मतलब ये है कि जब तक आप केमी क्लाउड की होस्टिंग के साथ रहते हो तब तक के लिए आपको डोमेन के लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। तो यहाँ पर मान लो कि आपने 4 साल के लिए केमी क्लाउड की होस्टिंग रखी तो आपको तब तक के लिए डोमेन के लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप केमी क्लाउड की जो होस्टिंग है उसको रिन्यू नहीं कराते तो आपको डोमेन का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। लेकिन जो नॉर्मल जो शेड होस्टिंग होती है उसमें सिर्फ आपको 1 साल के लिए फ्री डोमेन मिलता है, लेकिन केमी क्लाउड में आपको लाइफ टाइम डोमेन मिलेगा। मतलब जब तक आप केमी क्लाउड की होस्टिंग रिन्यू कराओगे तब तक के लिए आपको डोमेन को कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना होगा। इसके बाद इसमें आपको फ्री वेबसाइट माइग्रेशन भी देखने को मिलेगा। मतलब अगर आपकी वेबसाइट किसी और होस्टिंग पे होस्टेड है तो केमी क्लाउड के जो सपोर्ट एजेंट है वो आपकी वेबसाइट है वो किसी और होस्टिंग से केमी क्लाउड पे होस्टिंग पे माइग्रेट कर देंगे बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। इसके बाद इसमें आपको 10 डेज का बैकअप देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि डेली एक बैकअप क्रिएट होगा एंड ऐसे कुछ 10 बैकअप्स क्रिएट हो गए, जो उसमें से आप अगर आपकी वेबसाइट कभी कुछ हैक हो जाते हैं या वायरस आ जाता है या मेलवेयर आ जाता है तो उसमें से कोई भी बैकअप आप रिस्टोर कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सपोर्ट से बात करनी होगी, वो आपको बैकअप प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद जितने भी डोमेन आप एड करोगे उसमें आपको फ्री लेटेस्ट SSL सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगले प्लान की बात करते हैं, तो प्रो वाला प्लान। तो इसकी जो रिन्यूअल प्राइसिंग है वो $14 एंड जो उसकी प्रमोशनल प्राइसिंग है वो $7। तो इसमें आप अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, आपको 25 GB का SSD स्टोरेज देखने को मिलेगा, अनलिमिटेड बैंडविड्थ। इसके बाद ये वाला सभी प्लान में आपको फ्री लाइफ टाइम डोमेन देखने को मिलेगा। इसके बाद इसमें आपको फिर वेबसाइट माइग्रेशन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इसमें आपको 20 डेज का बैकअप देखने को मिलेगा, मतलब डेली एक बैकअप क्रिएट होगा, ऐसे कोई 20 डेज हो गए तो उस 20 डेज में से आप कोई भी बैकअप एक्सेस कर सकते हो और उसमें से आप कोई भी बैकअप रिस्टोर कर सकते हो। इसके बाद इसमें भी आपको फ्री लेटेस्ट SSL सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इस प्लान में आपको प्रायोरिटी 24/7 सपोर्ट मिलेगा। तो ये जो स्टार्टर वाला प्लान है उसमें भी आपको 24/7 सपोर्ट मिलेगा, लेकिन इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी एंड आपको थोड़ा जल्दी आंसर दिया जाएगा। इसके बाद इसमें आपको सिंगल क्लिप बैकअप रिस्टोर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद जो ये प्रो वाला प्लान है उसमें आपको
2x CPU एंड रैम देखने को मिलेगा ये स्टार्टर वाले प्लान से। इसके बाद यहाँ पर टर्बो प्लान की बात करते हैं, तो इसकी जो रिन्यूअल प्राइसिंग है वो $22 है एंड इसकी जो प्रमोशन प्राइसिंग वो $11। तो इसमें आप अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, आपको 35 GB का SSD स्टोरेज देखने को मिलेगा। इसके बाद अनलिमिटेड बैंडविड्थ, इसके बाद फ्री लाइफ टाइम डोमेन, फ्री वेबसाइट माइग्रेशन और इसमें आपको 13 डेज का बैकअप का ऑप्शन मिलेगा। मतलब आप 30 डेज में से कोई भी एक बैकअप एक्सेस कर सकते हो और उसे रिस्टोर कर सकते हो। इसके बाद इसमें आपको फ्री लेट्स एनक्रिप्ट SSL सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा। इसके बाद जो प्रो प्लान के जो फीचर्स है वो प्रायोरिटी 24/7 सपोर्ट एंड सिंगल क्लिप बैकअप रिस्टोर, तो वो भी आपको इस प्लान में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इसमें आपको 3x CPU एंड रैम का सपोर्ट है, तो मतलब आपकी वेबसाइट थोड़ी ज़्यादा फास्ट लोड होगी। इसके बाद ये जो वाला प्लान है उसमें हाई स्पेसिफिकेशन सर्वर्स एंड रैम एंड CPU यूज़ किए गए हैं, तो इससे आपकी वेबसाइट फास्ट लोड होगी। इसके बाद ये 4x मोर ट्रैफिक हैंडल कर पाएगा क्योंकि जो इसमें थोड़ा CPU एंड रैम है वो ज़्यादा है। इसके बाद इसमें टर्बो कैच काफ़ी सपोर्ट देखने को मिलेगा, मतलब जो OP कैच एंड मेम कैच का सपोर्ट होता है वो इसमें मिलेगा। इसके बाद फ्री मेलवेयर स्कैनर रिमूवल, मतलब ये वाले प्लान में अगर आपकी वेबसाइट पर कभी कोई वायरस या मेलवेयर आ जाता है तो उसका फ्री में चेक कर देंगे, स्कैन कर देंगे केमी क्लाउड के जो सपोर्ट है वो, एंड उसको अगर आपको रिमूव करना है तो वो रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर और कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ फीचर्स है, तो सभी प्लान्स में आपको वन क्लिक इंस्टॉल देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फ्री डोमेन लाइफ टाइम, इसके बाद डेली बैकअप्स, इसके बाद फ्री CDN, तो ये क्लाउड पर का है तो वो तो आपको किसी भी होस्टिंग में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इसमें आपको CPNL, तो उससे आप आपकी जो होस्टिंग है वो मैनेज कर सकते हो। इसके बाद रिलायबल ईमेल सर्विस, तो आप ईमेल का भी अच्छा सब पे। इसके बाद यहाँ पर डिफरेंस की ओर बात करें, तो यहाँ पर एक पहले माइग्रेशन की बात कर लेते हैं। तो अगर आपको माइग्रेशन करना है आपकी किसी और वेबसाइट का जो कि किसी और होस्टिंग पे होस्टेड है, आपको उसको केमी क्लाउड पे माइग्रेट करना है, तो आपको केमी क्लाउड के डैशबोर्ड में ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ से आप टिकट सबमिट कर सकते हो एंड वो जो सपोर्ट है वो आपको जल्दी से जल्दी आपकी वेबसाइट माइग्रेट कर देंगे केमी क्लाउड पे। तो वो मैं वीडियो में बताऊंगा आपको आगे कैसे करना है ये। इसके बाद यहाँ पर कुछ डिफरेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो कुछ डिफरेंस है तो यहाँ पर आप एक बार चेक कर लेना कि क्या क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर मैं कुछ जल्दी जल्दी ये दिखाई दे रहा हूँ आपको, तो यहाँ पर कुछ इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ जो स्टोरेज है एंड जो बैकअप्स का ऑप्शन है और जो CPU एंड रैम का जो है वो डिफरेंस है। इसके बाद यहाँ पर इनोट्स देख लेते हैं, तो यहाँ पर स्टार्टर वाले प्लान में आपको 2,50,000 इनोट देखने को मिलेगा, प्रो वाले प्लान में 3,50,000 एंड टर्बो वाले प्लान में 5 लाख इनोट्स अकाउंट देखने को मिल जाएगा। तो ये नॉर्मल है, सभी होस्टिंग में इसी टाइप के देखने को मिलते हैं, तो ये चल जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर आप अगर मेरी रिकमेंडेशन चाहते हो तो आप ये स्टार्टर वाला प्लान मत लो। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो आप होस्टिंजर की तरफ देख सकते हो क्योंकि वो चिप में अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है एंड उसकी जो प्राइसिंग है वो थोड़ी कम है। तो यहाँ पर आप प्रो वाला प्लान ले सकते हो या टर्बो वाला प्लान, इसमें से जो भी आपके लिए सही लगे वो ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं डेमो के लिए ये प्रो वाला प्लान लूँगा। तो यहाँ पर मैं कुछ अभी और आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि क्लेमी क्लाउड में आपको अप टाइम गारंटी मिलती है, तो 99.99% की आपको अप टाइम गारंटी मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि अगर आपकी वेबसाइट कभी भी डाउन होगी तो यहाँ पर आपको 1 मंथ 1 फ्री मंथ का जो क्रेडिट देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर आपकी वेबसाइट 99.99% से ज़्यादा टाइम थोड़ी डाउन होती है तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी वेबसाइट 1 मंथ में 4 मिनट्स का जो डाउन टाइम होगा, मतलब आपकी वेबसाइट 1 मंथ में 4 मिनट से ज़्यादा डाउन होगी तो आपको 1 फ्री मंथ मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको कुछ पेमेंट नहीं करना होगा, आपको फ्री में 1 मंथ का होस्टिंग देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपकी वेबसाइट 98% है उसका जो अप टाइम, तो आपको एक्स्ट्रा और 1 मंथ मिल जाएगा। इसके बाद 97% है तो और एक्स्ट्रा 1 मंथ मिल जाएगा। तो यहाँ पर केमी क्लाउड का जो अप टाइम है वो बहुत ही अच्छा है, आपको 99.99% देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये गारंटी जो दे रहे हैं वो मुझे अच्छा लगा इस बात की, क्योंकि इसमें आपको इतना इससे ज़्यादा कम अप टाइम आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये अच्छी बात है केमी क्लाउड की। तो यहाँ पर आगे बात करते हैं केमी क्लाउड के सर्वर लोकेशन के बारे में। तो यहाँ पर सर्वर लोकेशन वो होता है जहाँ पर जो आपकी वेबसाइट की जो आपकी होस्टिंग के सभी फाइल्स होती है वहाँ जहाँ पर लोकेट होती है। तो यहाँ पर केमी क्लाउड में आपको इतने सर्वर लोकेशन देखने को मिलते हैं, जो ये दलास है तो ये USA का लोकेशन है,
तो अगर आप कोई भी प्लान लोगे, वेब होस्टिंग या वर्डप्रेस होस्टिंग, क्लाउड वीपीएस या रिसर्च होस्टिंग, तो उसमें आप डेलस लोकेशन चूज कर सकते हो। इसके बाद ये सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क एंड जो टोरंटो वाला सर्वर है, तो आप सिर्फ क्लाउड वीपीएस के लिए बोले, तो ये वो कुछ हमें नहीं, हमारे प्लान में नहीं आएगा क्योंकि हम सिर्फ होस्टिंग लेंगे। इसके बाद लंडन है, तो वो भी आप चूज कर सकते हो। इसके बाद सिडनी है, ये फ्रैंकफर्ट है। इसके बाद बुडापेस्ट, इसके बाद सिंगापुर, इसके बाद टोक्यो में सिर्फ क्लाउड वीपीएस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद मुंबई भी आप चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अब आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमें प्लान चूज करना है एंड कैसे बाई करना है। तो यहाँ पर मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप प्रो वाला प्लान लो, तो उसमें आपको थोड़ा कम अमाउंट भी पे करना होगा एंड आपको अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए ले सकते हो, लेकिन आप 3 साल के लिए लोगे तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर आपको प्लान बाय करने के लिए ऑर्डर नाउ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर अगर आपको जो डोमेन परचेस करना है, तो यहाँ पर आप डोमेन परचेस कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना होगा, आपको फ्री के डोमेन मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए। तो आप यहाँ से ही डोमेन ले लो, क्योंकि आपको इसके लिए लाइफ टाइम कुछ पेमेंट नहीं करना होगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास डोमेन ऑलरेडी है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है आई ऑलरेडी हैव डोमेन। अगर आपको न्यू डोमेन बाय करना है, तो रजिस्टर न्यू डोमेन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आई ऑलरेडी हैव डोमेन पे मैं क्लिक करता हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले से ही डोमेन है। तो यहाँ पर आपको जो आपका डोमेन है वो डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर यूज पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको चूज कर लेना है कि आपको 12 मंथ्स के लिए लेना है या 24 मंथ्स या 36 मंथ के लिए। तो जितना ज़्यादा टाइम के लिए लोगे, उतना ही आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर मैं अभी 36 मंथ रहने देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप सर्वर लोकेशन चूज करना होगा। तो यहाँ पर आप वो सर्वर लोकेशन चूज करो जो आपकी वेबसाइट की ऑडियंस से करीब हो। मान लो कि आपकी वेबसाइट यूएसए के ऑडियंस के लिए है एंड आप इंडिया से हो, बिलोंग करते हो, तो आपको यूएसए का सर्वर चूज करना चाहिए। आपको आपके करीब वाला लोकेशन नहीं, बल्कि आपकी वेबसाइट की ऑडियंस के करीब वाला सर्वर लोकेशन चूज करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं डिफॉल्ट रहने देता हूँ दलास। इसके बाद यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एडवांस है, तो आपको ये कुछ पहले लेना है। आपको यहाँ पर रहने देना है नॉन, इसके बाद यहाँ पर भी नॉन, इसके बाद नॉन। तो इसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर कुछ आपको प्रोमो कोड डालना नहीं होगा। अगर आपने जो डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक है, वहाँ से आपने क्लिक किया होगा, तो आपको प्रोमो कोड भी कुछ एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर आपको जो आपका अकाउंट है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड जो अकाउंट की पूरी डिटेल्स है वो आपको एक बार डाल देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो पासवर्ड है वो आप सेव कर लेना, क्योंकि ये पासवर्ड ही उसे ही आप जो केमी क्लाउड का डैशबोर्ड है उसे एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट मेथड में आपको क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एंड पेपाल का ऑप्शन। तो जो भी आपके हिसाब से आपके पास पेमेंट मेथड अवेलेबल हो, उससे आप पेमेंट कर सकते हो। तो इसमें आपको कुछ इंडियन पेमेंट मेथड्स का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, जो कि पेटीएम वॉलेट या गूगल पे या यूपीआई, तो ऐसा कुछ ऑप्शन इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या पेपाल है, तो उसे आप पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको जो पेमेंट डिटेल है वो डालने देने के बाद आपको चेकआउट पे क्लिक करना होगा। तो उसके बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाने के बाद आप केमी क्लाउड के डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो पेमेंट सक्सेसफुली हो जाने के बाद आपको मेल से आएंगे, जो आपने जो ईमेल अकाउंट डाला है वो। तो यहाँ पर आपको एक वेलकम ईमेल देखने का मिलेगा, इसके बाद ऑर्डर कंफर्मेशन, इसके बाद इनवॉइस का ईमेल एंड इसके बाद आपको अकाउंट सेटअप इन्फॉर्मेशन। तो ये वाला प्लान सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसमें आपको पूरी डिटेल्स देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये मेल ओपन कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरा डोमेन नेम, इसके बाद अकाउंट के जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है वो, ये जो एफटीपी इंफॉर्मेशन है वो, इसके बाद यहाँ पर सीपीएनएल की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो इसका जो यूज़र नेम है वो, पासवर्ड है वो। इसके बाद यहाँ पर नेम सर्वर्स यहाँ पर मिलेंगे आपको। तो जो अगर आपने डोमेन लिया है केमी क्लाउड से, तो आप नेम सर्वर की कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपका डोमेन कोई और प्रोवाइडर में है, जैसे कि नेमचीप या गोडेडी या गूगल डोमेन्स, तो उसके लिए आपको जो नेम सर्वर है वो चेंज करना होगा। तो यहाँ पर आपको जो नेम सर्वर है वो कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मेरा डोमेन नेमचीप में है, तो यहाँ पर मैं जो मेरा जो डोमेन है उसमें मैं ये डाल देता हूँ नेम सर्वर्स। तो ये प्रोसेस सभी प्रोवाइडर में सेम होगी। अगर आपके पास गोडेडी है या फिर गूगल डोमेन, तो यहाँ पर आपको ये नेम सर्वर वाला ऑप्शन फाइंड करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको डिफॉल्ट नहीं रहने देना, बल्कि कस्टम डीएनएस पे क्लिक करके जो आपके नेम सर्वर आपको मेल्स में मिलेंगे वो आपको कॉपी कर देना है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो
तो उसे यहाँ पे आपको एक बार सेव कर देना है। इसके बाद जो आपका डोमेन है वो आपकी जो होस्टिंग है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। एंड आपको यहाँ पर आप देख सकते हो कि 48 आवर का टाइम लग सकता है इसमें। तो ये जो प्रोसेस है नॉर्मली 30 मिनट्स में हो जाती है, लेकिन आपको 48 आवर का वेट करना होता है। तो यहाँ पर आप नॉर्मली ये 30 मिनट्स में हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपके साथ नहीं हो रहा तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए एंड उसके बाद आप फिर से ट्राई कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं अभी केमी क्लाउड में जो डैशबोर्ड है उसमें लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और जो मेरी अकाउंट डिटेल्स है वो डाल देने के बाद लॉगिन हो जाएगा मेरा सक्सेसफुली। तो यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स डाल दिए मैंने, इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो ओके गाइस, आप देख सकते हो कि जो डैशबोर्ड है वो केमी क्लाउड का। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अगर आपकी वेबसाइट कोई होस्टिंग पे होस्टेड है अगर उसको अगर आपको केमी क्लाउड पे माइग्रेट करना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो डोमेन ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए एंड माइग्रेट वेबसाइट। तो वेबसाइट माइग्रेट करने के लिए आप माइग्रेट वेबसाइट पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर डोमेन तो आपको मिलेगा तो इसलिए कुछ उसकी जरूरत नहीं होगी डोमेन माइग्रेट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको माइग्रेशन में क्लिक करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है माइग्रेशन पे। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ये सिलेक्ट कर लेना है, या हाई प्रायोरिटी चाहिए या लो चाहिए क्रिटिकल। तो यहाँ पर आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर जो आपका प्लान है वो चूज़ कर लेना है। इसके बाद आपके जो वेब होस्टिंग है उसके आपको डिटेल्स यहाँ पर सबमिट करने होगी। इसके बाद यहाँ पर आप कुछ मेल्स जो मैसेज में कुछ आपकी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है वो तो वो बता सकते हो। और इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना होगा आपको। तो उससे जो आपका टिकट क्रिएट हो जाएगा एंड आपको जो आपकी ओल्ड होस्टिंग से केमी क्लाउड पे होस्टिंग पे आपकी वेबसाइट माइग्रेट कर दी जाएगी एंड आपको उसके बाद सपोर्ट कॉन्टेक्ट करेगी एंड आपको क्या करना है वो आपको बता देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो एक सर्विस अवेलेबल है। इसके बाद अगर आपको ने फ्री डोमेन लिया होगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर सर्विस में देखते हैं तो यहाँ पर ये मेरे पास फ्लो प्लान एक्टिव है। इसके बाद उसका जो लोकेशन, इसके बाद उसकी प्राइसिंग एंड नेक्स्ट ड्यू डेट, तो आपको कब रिन्यूअल करना होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद इसका डिस्क स्पेस, इसके बाद यहाँ पर आप कुछ एक्स्ट्रा इंस्टॉल करना है जैसे कि वर्डप्रेस या जूमला या ड्रूपल, तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद सी पैनल में लॉगिन करना है तो यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद वेब मेल में, इसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट्स की जो मैनेज करना है वो प्रोडक्ट वो कैसे कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर सर्वर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आपको जो नेम सर्वर देखने को मिलेगा, इसके बाद होस्ट नेम, इसके बाद सर्वर का आई पी एड्रेस, सी पैनल इन्फॉर्मेशन एंड एफ टी पी इन्फॉर्मेशन, तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैं मैनेज प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कौन सा प्लान एक्टिव है। इसके बाद इसका जो डिस्क यूजेस एंड बैंडविड्थ यूजेस, तो आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ देखने को मिलेगी तो उसका तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स है। इसके बाद यहाँ पर ईमेल अकाउंट का भी कुछ, अगर आपको किसी को ऐड करना है तो वो यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ बिलिंग का इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर सी पैनल में लॉगिन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, लॉगिन टू सी पैनल। ओके गाइस, आप देख सकते हो कि जो सी पैनल है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपका जो प्राइमरी डोमेन डाल दिया होगा वहाँ, तो यहाँ पर आपको वो डोमेन दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ साइड बार में कुछ आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर ईमेल अकाउंट्स पे यहाँ पर क्लिक करने आप नया ईमेल अकाउंट ऐड कर सकते हो, जो आपको पुराना ईमेल अकाउंट है वो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर बैकअप्स का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको, तो यहाँ से आप बैकअप देख सकते हो। इसके बाद फाइल मैनेजर का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा आपको। इसके बाद पी एच पी माई एडमिन एंड माई एसक्यूएल डाटाबेस, तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर डोमेन्स पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपने कितने डोमेन आपके जो होस्टिंग में उसमें ऐड करके रखे हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर आपको एक्स्ट्रा डोमेन ऐड करना है तो यहाँ से कर सकते हो, एड ऑन डोमेन्स पे। इसके बाद सब डोमेन यहाँ से ऐड कर सकते हो। इसके बाद अगर आप गूगल सर्च कंसोल या गूगल एनालिटिक्स कभी अगर आपकी वेबसाइट वेरीफाई करोगे तो आपको ये जॉइन एडिटर की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर आपको कभी भी आपके डोमेन में txt रिकॉर्ड या cname रिकॉर्ड या a रिकॉर्ड ऐड करना होगा तो आपको जोन एडिटर में उसका ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ये बात याद रख लेना। इसके बाद यहाँ पर कुछ एनालिटिक्स है। इसके बाद अगर आपको SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है लेट्स इंस्क्रिप्ट SSL पे। तो यहाँ पर आपको जो आपकी वेबसाइट है वो देख सकते हो कि कितनी वेबसाइट आपने डाल रखी है डोमेन। तो यहाँ पर आप इश्यू पे क्लिक करोगे तो जो आपका SSL सर्टिफिकेट है वो इंस्टॉल हो जाएगा।
एंड थोड़े टाइम के बाद आपको HTTPS का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपकी वेबसाइट में। तो यहाँ पर मैंने पहले से SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करके रखा है। तो यहाँ पर वापस चलते हैं सी पैनल में, तो यहाँ पर और देखते हैं। तो यहाँ पर क्लाउड फेयर का यहाँ से आप एड कर सकते हो आपकी वेबसाइट में। इसके बाद यहाँ पर कुछ ये पाइथन एंड इसके बाद नोड, इसके बाद PHP पर्ल, तो यहाँ पर आप उसका ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर आपको PHP वर्जन सिलेक्ट करना है तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो एंड PHP वर्जन चेंज कर सकते हो। तो इसमें आपको जब आप पहली बार लोगे तो आपको 7.2 का वर्जन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अभी 7.4, वो उससे आपकी वेबसाइट थोड़ी फास्ट लोड होगी। तो यहाँ पर एक बार 7.4 चूज कर लेना। तो यहाँ पर अगर आप 8.0 चूज करोगे तो वो आपके लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि यह भी वर्डप्रेस के पूरी तरफ से कंफर्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर आप 7.4 ही रहने देना। इसके बाद यहाँ पर आप ऑप्शन में देखोगे तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फाइल की अपलोड साइज है वो उसके जो आप मैक्स फाइल अपलोड लिमिट है उसके इंसर्ट कर सकते हो यहाँ से। तो अगर आपको कभी आपके वर्डप्रेस में थोड़ा कुछ ज़्यादा डालना है, जैसे कि 1 GB की कोई फाइल या डेट अपलोड करनी है, तो लिमिट आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पर वापस चलते हैं सीपैनल में। इसके बाद यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए वर्डप्रेस मैनेजर बाय छोटा क्लोनस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर अगर आपने कोई पहले से वर्डप्रेस इंस्टॉल करके रखा है तो वह यहाँ पर आपको दिखाई देगा, एंड अगर आपको न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपको जो आपका डोमेन है वो चूज करना है। तो यहाँ पर आपने जितने भी डोमेन डाल के रखे होंगे वो यहाँ पर आपको लिस्ट आ जाएगा और उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको HTTP चाहिए या HTTPS चाहिए या बिना WWW की चाहिए, तो वो आपके हिसाब से चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं डालना है, यहाँ पर आपको ब्लैंक रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको वर्डप्रेस का वर्जन सिलेक्ट कर लेना है, तो आप लेटेस्ट वर्जन सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पर आपको जो साइट नेम है वो डाल देना है, तो यहाँ पर मैं अपना साइट नेम डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर साइट डिस्क्रिप्शन, इसके बाद यहाँ पर आप एडमिन यूजर नेम, तो यहाँ पर आप जो एडमिन डिफॉल्ट यूजर नेम होता है वो मत डालना, कुछ आप एक्स्ट्रा डाल देना। इसके बाद यहाँ पर एडमिन पासवर्ड, तो यहाँ पर पासवर्ड भी आप स्ट्रॉन्ग डाल देना, क्योंकि अगर आप नॉर्मल पासवर्ड डालोगे तो आपकी वेबसाइट होने के चांसेस है। इसके बाद यहाँ पर आप एडमिन ईमेल डाल सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन चेंज नहीं करना है। इसके बाद आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना होगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा टाइम होगी, तो ये थोड़ी प्रोसेस होगी, उसके बाद आपका जो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतनी फास्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पर यहाँ से आप क्लिक करके आपकी जो वेबसाइट है उसे एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो SSL सर्टिफिकेट है वो तो मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो आ चुका है। यहाँ पर वर्डप्रेस एडमिन में लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है ना, आपके सामने ये वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा और करना है तो आपको सी पैनल से कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ रिमूव। इसके बाद यहाँ पर आप सी पैनल में यहाँ से जा सकते हो। तो अगर आपको कभी वर्डप्रेस के अलावा और कुछ इंस्टॉल करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है इसमें। आप देख सकते हो कि ये जो ड्रुपल हो गया, यहाँ पर जुमला हो गया, तो यहाँ पर आप कोई भी चूज कर सकते हो जो आपके हिसाब से सही लगे। तो यहाँ पर मैं पहले अगर आप बता देता हूँ कि अगर आपको बाय करना है सीड होस्टिंग, तो यहाँ पर आप ये वाला प्लान चूज कीजिए, प्रो वाला प्लान या टर्बो वाला प्लान। ये स्टार्टर वाला प्लान मत लेना, क्योंकि इतने चीप में चाहिए आपको तो आप होस्टिंगर की तरफ देख सकते हो, वो भी अच्छा है एकदम। तो यहाँ पर आप ये प्रो वाला प्लान या टर्बो वाला प्लान चूज कर सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक मिलेगी, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपके वीडियो को जो पूरे टॉपिक से वो समझ में आ गए होंगे। एंड अगर आपके पास कुछ जो आपको समझ नहीं आया और या मैं कुछ भूल गया हूँ तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा एंड आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो केमी क्लाउड का स्पीड टेस्ट थोड़े टाइम में बाद आएगा इस चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।